तो और भाई लोग कैसे हो आप सभी, वेलकम टू राइडर प्लेस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं गाइस पोकेमॉन यूनाइट। तो आज की पोकेमॉन यूनाइट की वीडियो में गाइस हम लोग ऐसे पोकेमॉन को यूज़ करने वाले हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, आप गेस कर लो गाइस। और गाइस वो जो पोकेमॉन है उसका नाम है पिकाचू। मुझे इतना पता भी नहीं था कि ये इतना ओवर पावर्ड हो सकता है गाइस। इसका अटैक पावर बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। वैसे इसका फ्री स्किन भी मिला था, फेस्टिवल स्टाइल पिकाचू, बहुत सही है। और गाइज मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और गाइज मैंने नोटिस किया ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और गाइज मैंने इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर दिया। अगर मैं हेल्थ आइटम्स की बात करूँ, यहाँ पे गाइज मैंने लेफ्ट ओवर्स लगा रखा है, 16 ग्रेड का कर रखा है जो कि HP रिकवरी और HP बढ़ा देता है। और शेल बेल लगा रखा है, अटैक कूलडाउन ड्यूरेशन कम कर देता है, SP अटैक बढ़ा देता है और ये बेसिक अटैक स्पीड वगैरह बढ़ा देता है, रिंग जो भी बोलते हैं गाइज। तो इसके साथ हम बैटल करने वाले हैं और देखेंगे ये कितना ओवर पावर्ड है। तो चलो यार बैटल पर चलते हैं। और गाइज बैटल में हम लोग पहुंच चुके हैं और भैया जी यहाँ पे हमारे टीम में गीबल वगैरह, फ्रोकी वगैरह अच्छी टीम मिली है। और यहाँ पे हमें जंगली पोकेमॉन सबसे पहले मारने, वरना जंगली पोकेमॉन नहीं मारेंगे, हमारे पोकेमॉन इवॉल्व नहीं होंगे। अरे एपोम भैया कहाँ भाग रहे हो भाई, ये तो भाग रहे भाई ना कि अटैक कर रहे हैं। भाई जंगली पोकेमॉन तो मारते, अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। और गाइज और एक बंदर को मार दूँ मैं, वो बंदर भाई मेरे पास आ, और मेरा थंडर भी अनलॉक हो गया भाई साहब, थंडर शॉक अनलॉक हो गया। वाह थंडर शॉक मारेंगे इसे, पहले इलेक्ट्रोवेव थंडर शॉक मार दिया, अब गाइज इलेक्ट्रोवेव मारेंगे। इलेक्ट्रोवेव मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइज जो भी हमें मिलेगा पोकेमॉन उसे मारेंगे, दूसरे टीम के पोकेमॉन। ओ भाई साहब यहाँ पे वर्लपिक्स क्या कर रही है भाई, वाइट कलर की वर्लपिक्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम क्या सोच रहे हो, हमारे पाले में आके हमारे पोकेमॉन को ही मार के क्या तुम भाग जाओगे। नहीं ये पिकाचू तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जितना भी फ्रीज अटैक कर लो भाई ये पिकाचू नहीं छोड़ेगा। लो भाई इस वर्लपिक्स को तो पिकाचू ने मार दिया। यहाँ पे गाइस अटैक का ऑप्शन आ रहा है, थंडर चूज़ करें या इलेक्ट्रोबॉल। मैंने इलेक्ट्रोबॉल किया, देखो गाइस जो इलेक्ट्रोबॉल है वैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओवर पावर्ड अटैक है। तो गाइस अभी हमारा HP नहीं है, हमें अपने जो गोल जोन है वहाँ पे जाना पड़ेगा, HP कवर करते हैं। और भाई यहाँ पे हमारा जो और एक हमारा जो मतलब टीममेट है उसका भी हेल्थ नहीं है। और चलो यार अभी हमारा फ़िलहाल एक किल हो चुका है, तो चलो गाइस अभी हम और भी बंदे ढूंढते क्योंकि हमारा जो हेल्थ है वो फुल हो चुका है और लेवल 4 के भी हो चुके हैं हम। और गाइस यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे सामने एक बल्बसौर है और बल्बसौर को गाइस मैंने मार दिया। वैसे ये बल्बसौर जो है सामने जो बी पोकेमॉन्स है उन्हें मार रहा था। गाइस ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आई नाइन टेल्स, ओ भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई। यार ये तो हमारे पाले में आ रहे हैं भाई विकसित होने के लिए, खुद के पाले में पोकेमॉन दिखता नहीं इसलिए हमारे पाले में आ रहे हैं। लो भाई ये गीबल भैया भी रेस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर, गीबल भैया को हमने इलेक्ट्रो बॉल से मार दिया। और भाई इससे इसके जो पीछे वाला पोकेमॉन था क्या नाम है इसका, यार इसने मुझे मार दिया, दो पोकेमॉन थे वैसे भी क्या मारता, हमारे 4 किल हो चुके हैं। चलो यार हम लोग रिस्पॉन हो चुके हैं। वैसे गाइस ये पिकाचू वैसे बहुत अच्छा डैमेज भी दे रहा है, आप तो देख ही सकते हो, और वाइल्ड एनिमल्स दूसरे पोकेमॉन्स आराम से मार रहा है गाइस। इसका जो इलेक्ट्रो बॉल अटैक है भाई गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलो यार इस क्रैबी को छोड़ते हैं और हम एक लंबी एक जंप मारते हैं। ओ नाइन टेल्स तुम क्या सोच रहे हो भाई, मार दोगे, देख रहे हो गाइस ढंग से देखोगे ना गाइस कितना डैमेज है, आप यार देख सकते हो मतलब क्या डैमेज दे रहा है। अटैक का ऑप्शन आ रहा है, थंडर बोल्ट या वॉल टैकल, वॉल टैकल करेंगे ऑब्वियसली, वॉल टैकल जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो वैसे क्लोज रेंज वाला अटैक है वो वॉल टैकल। तो यहाँ पे हम अपना HP रिकवर करते हैं, गीबल अपना मस्त जंगली पोकेमॉन मार रहा है। और गाइज मैं तो भाई एनिमी टीम्स को मार ही जा रहा हूँ, वैसे हमारे 6 किल हो चुके हैं। तो यार थोड़ा सा बी पोकेमॉन्स को ही मार देते जो भी बोलो इन्हें नाम क्या हो। यार यहाँ पे यार एक वर्लपिक घूम रही है, तो चल वर्लपिक नहीं नाइल टेस्ट, तो नाइल टेस्ट को मारते हैं, नाइल टेस्ट को मैंने मार दिया। और गाइस एक बात बोलो यार मेरे अगर मेरे इनका माइक कौन होता ना गाइस मेरे को यार गाली पड़ जाती भाई, मतलब समझ सकते हो हर एक किल मैं इनके चुरा रहा हूँ क्या, हर एक बंदे को मैं मार रहा हूँ, एक भी किल नहीं दे रहा हूँ भाई। ये बस जंगली पोकेमॉन मारने में मस्त है, बंदों को एनिमी को मारना ही नहीं है भाई, बस अपना लेवल अप करना है उसके बाद मारेंगे लास्ट में जाके जब जैप्डा जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे तो यार हम तो बी पोकेमॉन को खत्म कर रहे हैं, मुझे लेवल बढ़ानी है, लेवल 8 के हो चुके, देखो यार
मैं अभी जंगली पोकेमोन्स का किल चुरा रहा हूँ भाई। ये भी यार सोच रहे क्या बन रहा है। ओके गाइस, मेरे एक टीममेट ने रोटोम को मार दिया और यार यहाँ पे एक टीम का गोल डिफेंसलेस हो चुका है। और गाइस मैंने एक गोल को डिस्ट्रॉयड इनके गोल को डिस्ट्रॉय कर दिया और सामने वाले गोल में यार वल्पिक से वो इस गोल का ध्यान रख लिया। वल्पिक नहीं भाई, क्या बोल रहे यार, नाइन टेल्स गाइस। वो अपने जो पाले में है वो पाले से बाहर आ रही है, इसलिए हम फायदा लेके इसे मार दे रहे हैं। ओके ओके, वॉल टिकट मारेंगे और गाइस इलेक्ट्रो बॉल। और कम भाई यार, ये लुकारियो क्या सोच रहा था और इसके साथ क्या हो गया भाई साहब। एक सेकंड, मैं क्रैबी को मार दूंगा। ओ क्रैबी भाई, क्या कहाँ भाग रहे भाई, वॉल टैकल से कैसे बचेगा तू। तो गाइस यहाँ पे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे हम और एक गोल कर देते हैं हम एनिमी के गोल जोन में। यहाँ पे मैं स्लो पड़ चुका हूँ, एनिमी का जोन आ चुका है ना, मैं स्लो पड़ हो चुका हूँ। गाइस यहाँ पे हम यूनाइट अटैक मार चुका है, सामने चैमेलियन है, चार मेलियन है भाई साहब, क्या मारा। और भाई सांड भैया, तुम तो भाई कहाँ भाग रहे हो भाई, बीच में थर्ड पार्टी करते हो, शर्म वरम नहीं आती क्या, शर्म नाम की चीज़ नहीं है भाई, थोड़ा सा संस्कारी बनो भाई, थोड़ा सा तो शर्म करो। और गाइस यहाँ पे भाई साहब चार मिलियन को क्या मारा भाई, इसका यूनाइट अटैक भी भाई, यूनाइट मूव क्या खतरनाक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गोल कर देते हैं, 9 points हमने स्कोर कर दिया। ओके गाइस, हमने दो गोल जोन उनके डिस्ट्रॉय कर दिए ऑलरेडी और तीन गोल जोन बचे हुए हैं। ओके यहाँ पे वल्पिक्स आ चुके हैं, वल्पिक्स ने नाइल्टेस, अरे झाड़ी के अंदर छुपिया ये नाइल्टेस। अच्छा भाई, झाड़ी में जितना भी हाइड हो रहा तुम्हारा मूव दिख रहा था भाई, क्या करोगे भाई, मन। और गाइस मैंने मार दिया इसे, एक सेकंड मैंने मारा ना इसे, एक सेकंड, ये ग्रेनिंग का कितने किल कर रहा है भाई सीरियसली। ओके यार, इसने सेस्मिक टॉस मार दिया यार, चारिजार्ड हट मेरे से, दूर हो जाए यार, हट यार, इसने फ़ायदा ले लिया, सेकंड पार्टी कर दी भाई। एक तो मैंने नाइन टेल्स को मारा, उसके बाद गई भाई ये तो आ गया पता नहीं कहाँ से पीछे से मारने के लिए, और इसका फ़ायदा भी था, इसका जोन था, मैं स्लो पड़ गया, भाग नहीं पाया बस। तो चलो वापस से हम लोग रिस्पॉन हो चुके हैं और जम मारते हैं, कहाँ जाए हम इसकी मदद से, यहाँ पे चलते हैं चलो। ओके यहाँ पे चारिजार्ड भैया क्या कर रहे हो भाई, चारिजार्ड भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम, इससे यार पुराना बदला लग तो लेंगे भाई, बहुत बुरा वाला मारा था, इसे छोड़ना नहीं है भाई, कुछ भी करके एक बार मारना इसे। ओके इलेक्ट्रोबॉल से मैंने इसे इजीली मार दिया। चलो यार हम अपनी एचपी रिकवर करते हैं। यहाँ पे यार ये फ्रूट था, मेरा टीममेट ने ले लिया, हमारा जो है यूनाइट मूव भी अनलॉक हो चुका है, तो देखते हैं। ओके सामने वीनासोर आ चुका है, वीनासोर, चलो मारते इसे। ओ भाई क्या अटैक था ये, पॉइजन अटैक जो भी भाई, मुझे एक शॉट में मारा इस वीनासोर ने भाई, ये तो मतलब जेरा और जो भी है पोकेमोन है भाई, ये तो मेरे से भी ऊपर चला गया, मेरे 10 किल थे, इसके 11 कहाँ से हो गए। ये वैसे फाइटर पोकेमोन है, क्लोज रेंज के लिए काम आता है। तो अभी हम देखते हैं यार, वी आर इन द लीड, हम आगे हैं, बहुत ज़्यादा आगे, इन्होंने एक भी गोल हमारा डिस्ट्रॉय नहीं किया और हम लेवल 11 के भी हो चुके हैं, बस जेबडोस का वेट है। और एक गोल जोन हमारे ग्रेनिंजा भाई ने स्कोर कर दिया है। और यहाँ पे ये वीनासोर भाई क्या सोच रहे थे, ये क्या भाग जाएंगे। ओके लुकारियो भाई, लुकारियो टीम में होता है तो भाई बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। ओके यहाँ पे यूनाइट मूव आ रहे हैं, दो पोकेमोन, एक गार्चोम्प है एक भाई, और एक दूसरा पोकेमोन था यार, गार्चोम्प को तो क्या ही मारा भाई, इसका यूनाइट मूव तो देख पा रहे हो कितना खतरनाक है, ओवर पावर्ड है भाई, ओवर पावर्ड। तो चलो गाइज, ओपोनेंट वाली टीम ने सरेंडर कर दिया, इतना डर गए कि भाई पिकाचू से इतना डर गए कि भाई क्या ही बताएं। और हमने कर ली गाइस विक्ट्री, तो इसके लिए यार लाइक बनता है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो मज़ा ही आ गया यार, इससे पता चलता है कि पिकाचू कितना ओवर पावर्ड है। ऑलमोस्ट हम MVP बन चुके थे यार, पर यार ये जो सामने जो बंदा था, अजीब सा पोकेमोन था, उसका नाम नहीं पता, वो MVP बन गया। बट गाइस बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड, इससे ही पता चलता है पिकाचू कितना ज़्यादा ओवर पावर्ड है। और मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आप, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हो, एक पोकेमोन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, बाय डिफ़ॉल्ट पोकेमोन होने पर भी ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो चलो यार, हमने टास्क वगैरह भी कंप्लीट किया है, हमें एक जूता मिल गया। तो यार आपको वीडियो पक्का पसंद आएगा, तो ऐसी वीडियोस हर रोज़ देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। मैं मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।